नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग पूछे थे कि उसके पप्पी के आई से वाटर क्यों डिस्चार्ज होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आई से वाटर डिस्चार्ज होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। कोई एलर्जी हो, कोई एक्सटर्नल मटेरियल चला गया हो, ये एक बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर इसके टीयर ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, उसके वजह से आई डिस्चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपके पप्पी के आई से भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ पप्पी के लिए है। यदि आपके पास एडल्ट डॉग है और उसके आई से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है या फिर येलोइश कलर का बहुत सारा मटेरियल निकल रहा है तो इसके लिए अलग कारण हो सकता है और उसका अलग ट्रीटमेंट है। इसके लिए हमारे टीम में डॉक्टर हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं पप्पी के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि पप्पी के आई से वाटर डिस्चार्ज होता ही होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है पप्पीज में, ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि एक कॉटन का क्लॉथ लेना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो। उसको हल्का सा गम वाटर में डालिए, उसको निचोड़ करके फिर इसके आई को साफ़ कर दिया कीजिए, ठीक है। दिन में आप 3 से 4 बार साफ़ कर सकते हो और ये धीरे धीरे जब एडल्ट होगा तो फिर वो चला जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यू रहता है हमेशा के लिए और बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और दोस्तों, इसका दूसरा भी कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने पप्पी का डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं। तो आप लोग अपने पप्पी का टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करते रहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5-5 दिन पे ही डिवॉर्मिंग करना है। जब एक बार आपने कर दिया तो फिर दूसरे टाइम पे ही आपको करना है, ठीक है। जब आपका पप्पी 3 मंथ से नीचे का होता है तो उसको 15-15 दिन पे किया जाता है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का डॉग या फिर पप्पी डिवॉर्मिंग करने के बाद भी गोबर या फिर मिट्टी खाता है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि डिवॉर्मिंग करने के बाद भी आपका पप्पी गोबर या मिट्टी क्यों खाता है, ताकि वो मिट्टी या फिर गोबर या फिर कोई और गंदा चीज़ खाना छोड़ दे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। और यदि आप लोगों ने न्यू पप्पी लिया है तो आप लोगों के पास बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा कि वो कभी खाना खाएगा, कभी नहीं खाएगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमारा एक मेंबरशिप का प्लान है जिसमें डॉक्टर मिश्रा रहेंगे, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है और वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं। तो आप लोग हमारा मेंबरशिप प्लान ले सकते हो 1 मंथ का, और 1 मंथ तक आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग पूछ सकते हो। और जो भी लोग न्यू आएंगे न्यू पप्पी के लिए, उनके लिए 50% का ऑफर है हमारे तरफ से। तो आप लोग यदि न्यू 50 का कोड यूज करते हो तो आप लोग को 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जिनको भी प्रीमियम मेंबरशिप में ज्वाइन करना हो, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा। दोस्तों, हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके का रेड कलर में आपको नीचे मिल जाएगा, और बाद में बेल के आइकन को भी दबा देना।